फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज। सो आज हम लोग बात करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है उसके बारे में। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। सो एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले फॉर्मेट चलता था वो था 10+2 वाला, पर अब नया फॉर्मेट आ गया, वो है 5+3+3+4। इसमें जो फर्स्ट 5 है वो एक फाउंडेशन स्टेज है जिसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड आएंगे। इसमें बच्चों को नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, खेल कूद के जरिए पढ़ाया जाएगा, और अगर ऐसे कहें तो स्कूल में बुक्स का वेटेज बहुत ही कम कर दिया जाएगा। जो सेकेंड है 3, वो क्लास 3-5 है जिसमें बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी किया जाएगा। थर्ड 3 है क्लास, जो कि है मिडिल स्टेज, जो कि क्लास 6-8 तक है। फिर फोर्थ 1 है 9-12, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। जो पहले एग्जाम होते थे, साल में एक बार एग्जाम होता था, फाइनल, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, फाइनल, हाफ ईयरली, फिर फाइनल, पर अब सेमेस्टर वाला एग्जाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, हर 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। ये 9-12 तक का है और इसमें बहुत सारी, जैसे अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी। पहले इंडिया में 3 स्ट्रीम थी, या आर्ट्स, या कॉमर्स, या साइंस। अब अगर कोई आर्ट्स इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे तो वो बहुत आराम से फिजिक्स भी पढ़ सकता है। अगर क्लास 6 में कोई स्टूडेंट पढ़ता है और उसको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप भी कर सकता है। और क्लास 9 और 12 जो बोला, एग्जाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे, और जो बोर्ड एग्जाम्स के रूल्स थे, बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का तरीका भी पूरा बदल दिया गया है। अब रिजल्ट में, रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, बच्चा खुद को भी मार्क्स देगा, वो जिन टीचर्स से स्कूल में पढ़ा टीचर्स भी मार्क्स देंगे, उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स भी उसको मार्क्स देंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब होती थी, अगर आप लोग कॉलेज में जा रहे हो, 12th के रिजल्ट, अगर कोई रीजन से आपके 12th के रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है तो आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। पर इस फॉर्मेट को चेंज करके कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बोल के एग्जाम होगा, अगर आप देना चाहो तो वो मार्क्स 12 बोर्ड्स के मार्क्स मिल जाएंगे, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। ये सारे फॉर्मेट बहुत ज्यादा चेंज हो गए और इसमें बहुत अच्छा भी हुआ। एक जो अब न्यू अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे नर्सिंग, बोल सकते हैं वो लोग बहुत लकी है, क्योंकि जो नया पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छा है। ग्रेजुएशन में अगर बात करें हम लोग कॉलेज स्टूडेंट के बारे में, तो पहले ऐसा था या तो आप पूरा 3 साल या 4 साल पढ़ो या तो ना पढ़ो। अगर आप बीच में छोड़ देते थे तो उसका कुछ भी नहीं, पर अब अगर आप 1 साल पढ़ के कोई रीजन से छोड़ देते हो तो आपको 1 साल पढ़ने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पूरा पढ़ते हो कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 3 साल पूरा कंप्लीट करते हो अपनी ग्रेजुएशन को तो आपको अपना बैचलर डिग्री मिल जाएगा। और अगर आप उसको कंटिन्यू करके 4th ईयर भी पढ़ना चाहते हो तो आपको एक रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा। मतलब अब कोई भी चाहे तो एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। इसको हम लोग मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट पाथ भी बोल सकते हैं। मतलब आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और जब चाहो तब आप उस सब्जेक्ट में वापस पीछे भी आ सकते हो। एक एकेडमिक बैंक एंड क्रेडिट करके भी एक डिजिटली बना है, जिसमें आप पूरा सबमिट कर सकते हो अपनी पूरी प्रोफाइल की, आपने इस ईयर में ये पढ़ा। तो इसका ओवरऑल जब आप एक फाइनल डिग्री लोगे तो आप अपने जो जो चीजें फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में छोड़ी दी, उसको पूरा एक फाइनलाइज डिग्री में भी उसको दे दिया जाएगा। मतलब अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि आपने अगर पढ़ाई करो तो पूरी करो, नहीं करो तो नहीं करो, ऐसा नहीं है। आप जहां तक चाहो, जैसे चाहो पढ़ सकते हो। आपको उसकी डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरूर मिलेगा। और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं,
जिसमें भी रिसर्च चल रही है अभी, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ, और उन्हें पता चलना चाहिए जो मिनिस्ट्री काउंसिल रिसर्च में ये जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में सबको पता चलना चाहिए। अब वीडियो को सब्सक्राइब करना ताकि आप इस काउंसिल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जान सकें। थैंक यू।